Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी M23 5G स्मार्टफोन और इस फोन के अंदर आपको जाना है नेट स्पीड के लिए या फिर आप चाहते हो आपका दिन में डेटा जो भी यूज हुआ है उसके बारे में आपको पता चले, मतलब डेली डेटा यूजेस के बारे में आपको जानना है, तो इस वीडियो के अंदर आप जानोगे कैसे आप डेली डेटा यूजेस को जान सकते हो और क्या फोन के अंदर नेट स्पीड आ रही है इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा आप उसको कैसे जान सकते हो। चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना पड़ेगा जिसके बाद आप ये जान सकोगे कितना नेट स्पीड मिल रहा है और कितना दिन में आपने डाटा यूज किया। ऐप का नाम है नेट स्पीड इंडिकेटर। इसको डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है, कुछ सेटिंग आपको करनी होगी। इसको डाउनलोड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिल जाता है डेली डेटा यूजेस। जब आप इसको ऑन करेंगे यहाँ ओपन सेटिंग देखेगी, इस पर क्लिक करेंगे आपको एक परमिशन एप्लीकेशन के लिए देनी होती है, तो यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है नीचे की ओर, देखने को मिलेगा नेट स्पीड इंडिकेटर। इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए, वापस आ जाइए। अगर आप वाईफाई से डाटा यूज हुआ है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वाईफाई वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको भी ऑन करके आप उसके बारे में भी जान सकते हो। अब आपका जो नोटिफिकेशन बार है यहाँ देख सकते हो, ये शो हो चुका है आपका नेट स्पीड इंडिकेटर। अगर आपको ये भी जानना है कि मतलब आपका फोन में आप जब नेटवर्क कनेक्शन ऑफ हो और आपका जो एप्लीकेशन है वो काम नहीं करे, तो इसके लिए आपको यहाँ से ये वाला ऑप्शन डिसेबल कर देना है। अब आपका ये एप्लीकेशन तभी काम करेगा जब आपका नेट ऑन होगा, इसके बाद आपका ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग को भी कर सकते हो। खूब दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।